अपनी जेब से नोट निकालूंगा, तुमने कुछ नहीं बोलना है, 100 का है, 50 का है, 20 का है, सीरियल नंबर उन्होंने रखा हुआ था, सीरियल नंबर पर फोर जो बोलूंगा वही आइटम होगा। मैं तो पकड़ लिया ना, मैंने बोला तुम नहीं बोलना है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 2 का है, 10 का है, कुछ नहीं बोलना। अगर इसने बता दिया मैं 50,000 या 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा तेरी कला को, वो मेरे पास आया सीधा, सही बताता हूँ, मुस्कुराया और आंख मारी, बोला यार अगर तू भी ऐसा ही करता है तो मुझे अपना काम करने देना। ये दुनिया। हाँ, मनोविज्ञान रूप से जाना जा सकता है, लेकिन आदमी सामने होता। दूसरा, मेरे पास लोग आकर जब कुछ चला जाता है बताते, आकर बोलता है इतो ही अंदर की दृष्टि से देखो, इस काम के लिए इतना डीप में जाना है, अरे कुएं में अगर कंघी गिर गई तो गोता लगाने जाओगे क्या? जाओगे? जाने दे कंघी को यार। तो इस तरह समाज जिस चीज को पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अब यहां साहब ने करारा बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, ये सब फ्रॉड है। साहब कह रहे हैं वीर हनुमान बोध के ले दिया पान प्रसाद। अब साहब कह रहे हैं हनुमान जी को फिर मैं नाम दिया, शे शारद विष्णु नारद नाहन पावे आदि हो, नाहन पावे आद शिव ब्रह्मा और नारद तुमरो वंदन निहार धर्मदास वंदन करो। ब्रह्मादि संकाधिक ले मुनवर आदि प्रियंत बिन गुरु मोह निशाशयन सुख सपने न लहंत। सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम लेने के बाद आपको सुख मिला? थोड़ा हिम्मत से बोलो, भरोसे से बोलो। वेरी गुड पॉइंट, यही है, आंतरिक सुख मिला, एक सेटिस्फेक्शन है। चेयरमैन साहब क्या ख्याल है? समस्याएं तो आएगी, समस्याएं आएगी, लेकिन पहले जो आपका हृदय विदारित हो जाता था उस उपशम में गुम हो जाता था, वो नहीं होगा अभी। साहब ने आकर इधर से बाहर निकालने की कोशिश की कि तुम मन और माया के बीच में हो, ये उलझन है, ये घर घर में उलझन है, कलयुग आ गया। अगर कोर्टों में जाकर देखोगे गैरों के मुकदमे नहीं है, गोरख अटके कालपुर और कहन की साख। अब साहब क्या करें, गोरखनाथ जैसे योगेश्वर माया में फंसे हुए हैं, इसलिए बंदे तू कभी भी नहीं निकल सकता है बिना नाम की ताकत के। साहब ने आकर ये बात कही, मैंने आपसे एक बात कही, नाम के बाद आपको एक पक्का सेटिस्फेक्शन मिला होगा। चलो चाहे आरती देवी के थोड़ी झंझट समस्याएं आ सकती है जिंदगी में, अंदर से साहब ताकत दे रहा है नहीं, बस ये ताकत मिलती है अंदर से, वो शक्ति मिलेगी। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वहम में नहीं जाना। कई बार आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी है, मुझे जो कुछ तुम्हें देना था दे चुका हूँ, अब तुम्हें क्या करना है उसे संभालना है। मूर्ख के गोता मारने पर हीरा हाथ में आया समुद्र में, उसने फिर छोड़ दिया, बस ऐसा नहीं करना। सियाने चेलों के चक्कर में मत फंसना, तुम्हें वो इस बहुत बड़ी एक लाभी है जो तुम्हें सद्गुरु की भक्ति से खींचना चाहेगी। वजह, उन्होंने एक अपना साम्राज्य बनाया हुआ है जिससे उनका परिवार पोषित होता है, घर द्वार पोषित होता है, बच्चे पोषित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गद्दियाँ उनके ट्रांसफर होती जाती है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो हक की कमाई भी नहीं खा रहे हैं, उससे वो ऐश्वर्य कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके पास धन काफ़ी है, तब वो क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बात कई बार बोली, मुझे एक पत्रकार ने
एक बात कही कि आपका विरोध बहुत होता है। मैं बोला बिल्कुल, क्या आपके पास विरोधाभास हैं ऐसा? यहाँ तो आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तब विरोध हो रहा है, यहाँ तो देश हित में नहीं बोल रहे हैं वो विरोध हो रहा है। मैंने कहा सुनो, जो मेरे पास आते हैं उसको मैं पहले कहता हूँ, नाम लेने आए हो, मान शराब छोड़े 3 महीने हुए हैं, नहीं हुए उनको वापस भेजता हूँ ना। मैंने तलवार गर्दन पर रख करके किसी को नाम नहीं दिया है। फिर मैं कहता हूँ भाई मेरी 7 शर्तें हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना। आपने सहमति दी हाँ, तब तो आगे बढ़ा मैं। फिर मैंने कहा एक परमात्मा की उपासना करना, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोए, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हुए। आपने हामी भरी, मेरी तलवार गर्दन पर नहीं थी कि आपसे लिखवा कर लिया मान। मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद में भी है एक परमात्मा के पास। आपने सहमति दी। फिर पता है मैंने क्या बोला? मैंने कहा टोना, टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत नहीं मानना। 11 चीज वर्जित की, वो तुम्हें खींचेंगे। आपने सहमति दी। ये क्यों वर्जित की? आपकी भक्ति को वो खत्म करना चाहेंगे। मैंने ये उदाहरण हजारों बार दिए हैं, कुछ बार बार देता हूँ। सांझी मोड़ साइट में एक बंदे को जंजीरों से बांध कर मेरे पास लाए। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोला ये हमला करता है, मारता है सबको। ये तो बाद की बात है, पहले एक बंदा मेरे पास आया, वही, उसको बोला इसको हत्या का नुस्खा है। मैंने नाम दे दिया, ठीक हो गया। एरिया में खलबली मच गई। पहले सयाने उसको नचाते थे ढोल कट 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 करके ऐसे चौकी हम पौ क्या। उसके बाबत कम से कम 100-150 आदमी मेरे उस एरिया के नाम ले लिए। अब सयाने शेलों में खलबली मच गई, क्योंकि जिनके घर वो जाकर ढोल कूटते थे वो तो अपने सब लोगों को इधर लाए। खलबली मचनी थी। तो ठीक हो गया। अब क्या हुआ पता है? ये होगा, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कुछ कच्चे लोग जो हैं, सत्संग की कमी है, वो उलझ रहे हैं। ठीक है, मास्टर को पता नहीं है कि मेरी क्लास में ब्रिलियंट कौन है? हाँ भाई गौरव जी, पता नहीं है क्या? और इंटेलिजेंट कौन है? लेकिन बेवकूफ़ को भी तो पढ़ा रहे हो ना, क्या कोशिश है? हाँ, कोशिश यही है ना कि वो भी पास हो जाए। सयाने चेले सोचते रहते ग्राहक ही खराब करने वाला यही बंदा है, बाकी पंथ के लोग हत्या भी मान रहे हैं, भूत भी मान रहे हैं, काली देवी फलाना पीर और जलवीर सब मान रहे हैं, मारे ये जेड़े साहिबबंदगी वाले साढ़े सबसे बड़े दुश्मन यही है। इसलिए वो लाभी बनाएंगे, वजूम इकट्ठा करेंगे, चौराहे पर प्रचार करेंगे। ये होगा, इसके लिए तैयार हूँ। अभी एक अच्छी बात आ गई, सोशल मीडिया में भी डाल देंगे। अभी एक अच्छा कानून बना, कानून मंत्री रविशंकर पटना कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं। पटना में मेरा आश्रम है ना, आप आते थे ना, काफी लोग नहीं आते उस। अभी एक कानून बना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, यार ये फैक्ट न्यूज़ और जो सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कुछ भी कह दो और उस आदमी का काफ़ी डैमेज हो जाता है, बाद में पब्लिक में उसकी छवि ख़राब हो जाती है, फिर उसको ठीक करने में बहुत बड़ा कानून टाइम लगता है। इसलिए कानून बनाया, जब तक कोर्ट किसी पर एलिगेशन सिद्ध नहीं करती है, अगर मीडिया ने या सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई कार्रवाई ऐसा प्रचार किया उस पर FIR दर्ज होगी। अगर जिसने यस नो है वो भी किया
आपके पास कहा था, आपने यस किया उस पर भी होगी। इस तरह एक आदमी ने ये काम किया और 200 आदमी ने यस किया था, उन सब पर मुकदमा हुआ। सावधान रहना, अभी यस और नो मत लिखना। 200 आदमी पर मुकदमा हुआ जो यस लिखे थे, किसी ने किसी के लिए गलत सोशल मीडिया पर दे दिया। अभी ये कानून बन चुका है, सावधान रहना। और आप स्मार्टफोन से भी सावधान रहना, जल्दी किसी चीज़ को होके फोके मत करना। अच्छा हुआ ये कानून बना, नहीं तो कोई किसी पर भी कीचड़ उछालता था, फिर उसके रिश्तेदार नातेदार यस यस करके उसको डिफेम करते थे। यही पूरी धारा है उसमें, मेरे पास वो पूरी डिटेल है, फौरन निकलवा लेता हूँ मैं। तो बंधुओं, इस तरह वो लाभी, बस वहाँ आपको विवश करेगी उस तरफ झुकने के लिए। मत जाना वहाँ, गुरु मगध धड़ पकड़ रखिए, डिगमिग छाड़ो, पूरा काम होता चलेगा आपका। छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न साहिबा, जाविद राके साहिबा ताविद रहिए। आपके पास सबसे बड़ी एक दौलत आई है, गोधन गजधन गाजधन। गो क्या है? गाय। गज गज घोड़े आदि। गोधन गजधन गाजधन, पुराने जमाने में संपन्न लोग अपने घर में घोड़ा पक्का रखते थे, मेरे पिता भी रखते थे, घोड़े सवार भी होती थी। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। टेंशन मत लेना, एक लाभी आपको बड़ा विवश करेगी कि यहां से हटो। डॉक्टर साहब का लड़का अगर कहीं बीमार हो गया तो फूफू आकर बोलेगी, और मारे वो जाहिल फूफू न पढ़ी न लिखी, कहेगी देवते छोड़े सब छोड़ दिए, पता नहीं केड़ा रास्ता पकड़ लिया वो ऊपर। यहाँ साहब ने बड़े सटीक शब्द कहे, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग परमान, इसलिए मैं जगह जगह घूम करके लोगों को सतर्क करता हूँ। गोधन गजधन गाजधन सवै रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन ढूर समान। अब साहब क्या कह रहे हैं? नाम अमल माता रहे, सात गांठ कोपिन में मन नहीं आने शंक। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। उसके आगे जब संतोष आ जाता है ना, तो फिर इंद्र भी कुछ नहीं है। आपके पास पहला आइटम ये दिया है, ठीक है, जो अंदर में एक ताकत है शायद, ये नाम है, बस इसको भूलना नहीं। आप माया में रहते हैं, सुमरण अवश्य, तो ये लाभी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ से स्टार्ट हुआ। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु महाराज लाए। इसलिए भैया जगत भगत में बह रहे आप विचलित नहीं होना, द्वारे धनी के पढ़ रहो वाह, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज है जो दर छाड़ना चाहे। और अपने अंदर जो दुश्मन है ये सब उससे शांत हो जाते हैं, ठीक है, नाम के बाद ये हलचल नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े धुरंधरों को जिन्होंने गुलाटी खिलाई, आपका सम्मोहन तोड़ दिया, मैं जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी, बेटा बीमार है इलाज करते रहोगे, वो करना ही करना है, लेकिन अंदर आसक्ति किसी पदार्थ में होगी नहीं। यही सांप का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो उसके दांत और जहर की थैली, अगर वो निकाल दी तो सांप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जगत का सबसे बड़ा फंदा है आसक्ति। ये आसक्ति क्या? मेरी बीवी, मेरा घर, हाय ये धन, हाय ये संपत्ति। ये आसक्ति आपको हो सकती है, अंदर नहीं उतरेगी, घट में नहीं उतर पाएगी। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी नामदान के टाइम पर आप मन को पूरा पूरा खत्म करना चाहिए। मैंने कहा बात सुन, अगर मन को पूरा पूरा खत्म कर देंगे तो मैं अकेला रहूँगा और कोई नहीं होगा। मैं जब मन पूरा खत्म करेंगे तो हिल भी नहीं पाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा। मन डोले मन बोले, मन उठे मन बैठे, बताएं। मैंने कहा मैं तेरे मन को उस दिन बांध दिया हूँ जिस दिन से नाम लिया।
कैसे बांध दिया हूँ। कभी कभी आप अपने जानवर को रस्सी गले में बांधते हो और घास रस्सी की पेंग लंबी करते हो, कभी कोई 100 फीट तक भी चारों तरफ चर के खाए, वो भूल जाती है कभी कभी कि मैं बंधी हूं और उछल कर भगती है। पता है कहां तक भगती है? जहां तक रस्सी का आयतन है, फिर झटका लगता है। आपका मन भगेगा, ये इसकी आदत है, झटका लगेगा उधर से। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करो। यार आपके पास बहुत कुछ दिया है, अंधी सूरत नाम बिन जानो। अभी बार 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 एक चीज आती है सुरती। पहली बात ये अपने जेहन में रखो बात, सुरती एक शरीर है। हम सब भौतिक शरीरों में रहते हैं, इसलिए शरीर का मतलब हम स्थूल शरीर समझ रहे हैं। मैंने कई बार 6 शरीरों का उल्लेख किया। पूरा काम सुरती से हो रहा है, ध्यान से हो रहा है। कह रहे हैं जैसे इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दो तो अंदर रोशनी होती है लेकिन उसके बाद भी नहीं दिखता है, और अगर उसे मोतियाबिंद हो जाए तो भी उसे दिखता नहीं है, ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है, वो विजन को रोक देती है, लेंस को कवर कर देती है। इस तरह आत्मा का कोई कुछ घटा नहीं सका। जैसे बादल सूर्य के सुनहरे प्रकाश को रूंद कर एक कालुष रंग दे देता है, बस माया मन और माया का आवरण है और कुछ नहीं है। वो नाम ये सब चीजें हटा लेता है, नाम उस सूरत को जगाता है। अंधी सूरत नाम बिन जानो। झूठा पसारा देख जग करनी दे बता, एक नाम को जान के तामे रहे समाए। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, बार बार साहब नाम की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी सूरत कुछ न कुछ चिंतन करेगी, आप कुछ न कुछ विचार करेंगे। बस चिंता तो सतनाम की और न चित्वे दास, जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अतिरिक्त आपके अंदर उठने वाले सभी विचार मन ही के तो हैं, और हर विचार का आपके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। तो साहब कह रहे दूसरी बात क्या है, मैंने कल यहाँ पूर्णिमा के प्रवचन में एक शब्द कहा था, जब आप भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बाधा आएगी। आप टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत और अन्य उपासनाएं छोड़ेंगे तो खटदर्शन पूरा इसका विरोध करेगा। वजह यह है हमारे देश में अभी भी 15 करोड़ लोग केवल भक्ति के नाम से जीव का उपार्जन करते हैं, वो सब आपके विरुद्ध होंगे। एक माहौल बन जाएगा यहां तक कि आपके रिश्तेदार नातेदारों को सबको आपसे आपको अकेला कर दिया जाएगा। ये एक चाल होगी। कितना खूब का जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण बैर है दूध खटाई। इस तरह से आगे साहब जो कह रहे हैं ध्यान से सुने, कुल की लज्जा कर्म भ्रम की छोड़े आशा, एक नाम से कर विश्वासा। एक नाम को जानकर दूजा दे बाहर, क्योंकि आपको प्रिजर्व कर दिया। जिस आदमी को टिटनेस लगी हुई है, लोहे के कट से टिटनेस की सुई लगी है, लोहे के कट से टिटनेस नहीं होगा, वो निश्चिंत है। जिस आदमी को वैक्सीनेशन चेचक का लगा है उसे चेचक नहीं होगा, ये निश्चित है।